अब खबर लखीमपुर खीरी से है। दरअसल लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव को लेकर यहां पर हंगामा देखने को मिला। चुनाव के दौरान विधायक और अधिवक्ता में यहां जमकर दंगल हुआ। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और चुनाव का ये समय है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव के दौरान यह हंगामा देखने को मिला। इस दंगल में एक विधायक का कुर्ता भी फटा है। दो दिन से लगातार यहां बयानबाजी हो रही थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही ना करने का पुलिस पर आरोप लगातार लग रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अरविंद, क्या विवाद था जो इतना ये बढ़ गया? क्या बयानबाजी हो रही थी इतने दिनों से जिस पर पुलिस नहीं ध्यान दे रही थी, पुलिस पर ये आरोप लग रहे हैं? जी अंजलि, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लखीमपुर खीरी की जो कानून व्यवस्था है वो जो है बेपत्ती होती दिख रही है। अगर बात की जाए कि इतने बड़े हादसे जो इतना बड़ा जो कांड हो गया कि सदर विधायक जो बीजेपी के विधायक है, जो विधायक ही जो है सदर जो विधायक हैं और विधायक और जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है तो सीधे जो दबंग है जो जिन्होंने जानलेवा हमला किया है विधायक को, तो सीधे खुलेआम जो है लोकतंत्र की हत्या है ये। कौन थे ये दबंग? जी बिल्कुल, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो पूर्व जिला जो वर्तमान जो जिला जो है चेयरमैन थी, उन्हीं के पति जो है अवधेश सिंह जो एडवोकेट हैं और इस वक्त वर्तमान में एडवोकेट हैं, ये जो है किसी बात को लेकर के दो दिन पहले जो है वहाँ पे जो लिस्ट चर्चा की गई थी इसी बात के लेकर के वहाँ पे जो है लिस्टें जो है फाड़ दी गई थी, उसको लेकर के दो दिन से लखीमपुर खीरी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है चर्चा का विषय बनी हुई थी और लगातार जो है लोग जो है अधिकारियों से जो है न्याय की गुहार लगा थी। इसी बात को लेकर के कल जब सदर विधायक के पास लोग गए और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि के पास जो है व्यापारी और लोग भी गए थे कि जो चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन तो वहाँ के जो जिला अधिकारी थे और जिले के जो मुख्य अधिकारी सभी लोग थे उनसे बैठ करके जिले के जो जनप्रतिनिधि थे, जिला अध्यक्ष जी थे और जो लोग बाकी लोग जो अन्य विधानसभा के लोग थे, दौरा विधायक विनोद शंकर ओसी, ये सब मिल करके जो है अपनी बात रखी थी कि जो है निष्पक्ष चुनाव कराने की जो है बात कही थी, लेकिन उसपे जो अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि यहाँ जो है निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन इसी क्रम में आज जो है पर्चा खरीदारी की जो है बात हो रही थी कि वहाँ पर्चा लेने के लिए, तो वहाँ जो व्यक्ति जा रहा था, जो विधायक ने बड़ा आरोप लगाया है कि जो व्यक्ति पर्चा खरीदा था उसके पर्चा फाड़ दिए जा रहे थे, वो भी प्रशासन के सामने, तो अगर जो कहीं प्रशासन के सामने ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया गया है तो सीधे जो है लोकतंत्र की हत्या मानी जा रही है। और जो पुलिस अधीक्षक के जो पुलिस अधीक्षक खीरी जो है गणेश शाह जो है इनसे जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल संभल नहीं रही है लखीमपुर की, इतना बड़ा विवाद जो उनका कोतवाल है। जी अरविंद, तो अब पुलिस क्या कह रही है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, वहां की जनता ये कह रही है कि उस पर आरोप लग रहे हैं पुलिस पर कि ये बयानबाजी लगातार हो रही थी, और अब ये कद्र हुआ, अब यहां पर यह हश्र हुआ कि वहां पर दंगल देखने को मिला, मारपीट हुई, विधायक का कुर्ता फट गया, तो अब पुलिस इस पर क्या कह रही है? बिल्कुल, पुलिस से जो है इसी मामले में जो है हम लोगों ने जो पुलिस अधीक्षक खीरी का जो है फोन लगाया गया जिसमें गणेश शाह से बात करने का प्रयास किया गया, तो उनका फोन जो है पीआरओ उठा रहा है और पीआरओ से बात की जो है पुलिस अधीक्षक खीरी से बात करा दीजिए, जिससे मीडिया में हम लोग जो है खबर सही समय से प्रकाशित हो कि किस तरीके से इनकी पुलिस की कार्रवाई है, कैसे क्या इनका जो है मैनेजमेंट है, जो पुलिस इस तरीके से पुलिस के सामने एक जो है भाजपा का विधायक भी सत्ता में विधायक होते हुए और एक जनप्रतिनिधि के ऊपर जो है इस तरीके से जानलेवा हमला हो रहा है, लेकिन जो है पुलिस बचती हुई नजर आई है और जो है कोई भी जवाब देने में, इसी मामले में जो है एडिशनल एसपी जो पवन गौतम है जिनके जिनका क्षेत्र वहीं पर पड़ता है उनसे भी बात की गई, तो उन्होंने जो है गोल मटोल सवाल देकर के मीडिया से बचते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि मामला शांत करा दिया जाए, तो हम लोगों ने इसमें सवाल पूछा था कि एक जनप्रतिनिधि आखिर में राम जनमानस का क्या होगा जो इस तरीके से हाल हो रहे हैं, आज के पुलिस के सामने जो है लगातार आपका विधायक पीटा जा रहा है, जो आपके क्षेत्र का और सदर विधायक के सामने जो है कोतवाल के साथ ही एडवोकेट जा रहा है, सबसे बड़ी बात देखिए कि जो यहाँ पे चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि सदर विधायक उधर से आ रहे हैं और जो सदर कोतवाल हैं, सदर कोतवाल के साथ ही जो दबंग है जो वकील है वो जो है मारने का प्रयास कर रहा है, तो साफ तौर पर देखिए कि वो जो उन्हीं के सामने कोतवाल के सामने ही उसको जो है जान से मारने की और जो है इस तरीके से थप्पड़ मारने का देखो प्रयास करा और जो है धार से धर दिया था और उसके पीछे जी अरविंद, अब इस हंगामे के बाद जो विधायक है जिनके साथ ये विवाद हुआ उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल, विधायक से जब बात की गई तो विधायक जो है बिल्कुल निपट दिखे और उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो मेरे साथ हरकत और दिक्कतें हुई हैं और जो जो जिन्होंने घटना को अंजाम इस तरीके से दिया है, ये पुष्पा सिंह जो यहाँ की चेयरमैन है, उनके हस्बैंड है, पति है, वो एडवोकेट है और उन्होंने जो है बड़ा आरोप भी लगाया है और प्रशासन पर भी घोर लापरवाही का सामना आरोप लगाया है कि दो दिन से लगातार इस तरीके से जब जो है बराबर लगातार मीडिया भी जो है सुर्खियों में बना हुआ था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो बड़े अधिकारी अगर जो गंभीरता से लेते तो आज इस तरीके की मेरे साथ कोई घटना नहीं घटित होती और इसमें मेरी जान
जान का भी खतरा बना हुआ था, और इसलिए जो है प्रशासन को भी जो है बड़ी चुनौती दिया है, कानून की पुलिस की जो कानून व्यवस्था है। बिल्कुल अरविंद, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए, क्योंकि जिस तरीके से विवाद सामने आया बहुत ही ज्यादा विभत्स भी माना जा रहा है, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि यहाँ पर सेफ नहीं है तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका। तो बता दें कि लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव में यहां हंगामा देखने को मिला। बता दें कि चुनाव के दौरान विधायक और अधिवक्ता में जमकर दंगल हुआ, अधिवक्ता पक्ष दबंग बताए जा रहे हैं। बता दें कि इस दंगल में एक विधायक का कुर्ता भी फटा, जिसकी तस्वीरें आपके सामने ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्रोधित ये विधायक नजर आ रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि ही यहाँ पर सेफ नहीं है और उन पर हमला होता है तो आम जनमानस का क्या होगा। पूरी तरीके से पुलिस व्यवस्था यहां पर चरमराती हुई नजर आई और पुलिस पर लापरवाही के आरोप यहां लग रहे हैं। बता दें कि दो दिन से लगातार अधिवक्ता पक्ष और विधायक की ओर से बयानबाजी जारी थी। इस बयानबाजी के बाद आज यह हुआ कि चुनाव के दौरान यहां पर मारपीट देखने को मिली, और दबंग पक्ष ने जो अधिवक्ता है उन्होंने सदर विधायक पर हमला बोला। पूरा क्या है मामला ये तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, जो सामने जांच पड़ताल की जाएगी पुलिस के द्वारा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कौन दबंग था और किसके द्वारा किस पर हमला किया गया था। फिलहाल यहां पर ये तस्वीरें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की चूक की भी नजर आ रही है, पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगातार लग रहे हैं।